थर्ड ग्लोबल साउथ समिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट में आपका स्वागत है। पिछले दो समिट में मुझे आप में से कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत में आम चुनाव के बाद एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। 2022 में G20 समिट में हमने संकल्प लिया था कि हम G20 को एक नया स्वरूप देंगे। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास संबंधित और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की, एक समावेशी और विकास केंद्रित अप्रोच से G20 को आगे बढ़ाया। Your Highness, Excellencies, Namaskar, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो समिट में मुझे आप में से कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस वर्ष भारत में आम चुनावों के बाद एक बार फिर आप सबसे इस मंच पर जुड़ने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, 2022 में जब भारत ने G20 अध्यक्षता संभाली तो हमने संकल्प लिया था कि हम G20 को एक नया स्वरूप देंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की और भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित G20 एजेंडा तैयार किया। एक समावेशी और विकास केंद्रित अप्रोच से G20 को आगे बढ़ाया। इसके सबसे बड़ा उदाहरण वह ऐतिहासिक क्षण था जब अफ्रीकन यूनियन ने G20 में स्थायी सदस्यता ग्रहण की।